दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके शरीर पर मौजूद तिल आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इतना ही नहीं, ये तिल यह भी बताते हैं कि आपका आने वाला समय सुख से बीतने वाला है या फिर दुख से। स्त्रियों के संदर्भ में कई बार उनके शरीर पर मौजूद तिल ही बता देते हैं कि स्त्री अपने जीवन में कितना संघर्ष करेगी या कितना अमीर होगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में सभी स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, जो अपने साथ घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। परंतु सामुद्रिक शास्त्र में कुछ खास अंगों पर होने वाले तिलों के बारे में बताया गया है, और जिन भी स्त्रियों के शरीर पर ये तिल पाए जाते हैं उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है। तो दोस्तों, क्या है इन तिलों का रहस्य, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू पुराण टीवी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। पहला, माथे पर तिल। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होना आत्मविश्वास और जीवन में सफलता को दर्शाता है। जिन भी महिलाओं के माथे पर तिल होता है वो अपने लिए सफलता का रास्ता खुद बनाने में सक्षम होती है, इसलिए उन्हें जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माथे पर तिल वाली महिलाएं खुद अपना एक मुकाम हासिल करती है और जीवन में अत्यधिक संपत्ति और सुख सुविधाओं का लाभ उठाती है। दूसरा, गर्दन पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री के गर्दन पर तिल होना धैर्य और बुद्धि का संकेत है। ऐसी महिलाएं बेहद बुद्धिमान और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करती हैं। ज्योतिषों के अनुसार गर्दन पर तिल वाली महिलाएं न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए भी काफी भाग्यशाली होती हैं। और जिस घर में भी इनकी शादी होती है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। तीसरा, दाईं बाजू पर तिल। दोस्तों, महिलाओं की दाईं बाजू उनके लिए काफी शुभ मानी गई है। माना जाता है कि महिलाओं की दाईं बाजू का तिल सुखी और वैभवशाली होने का सूचक है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाओं को जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। माना जाता है जिन महिलाओं की दाईं बाजू पर तिल होता है वह हर चीज को पाने की लालसा नहीं रखती है और जो भी उनके पास होता है उसी में खुशी खुशी गुजारा कर लेती है। चौथा, बाईं बाजू पर तिल। जिन महिलाओं की बाईं बाजू में तिल होता है वह अपने परिवार से काफी जुड़ाव रखती है। परिवार से ये बहुत ज्यादा प्यार करती है और सबका ख्याल रखती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार परिवार के लिए ये अपने दुख को भी भूल जाती है और इनके घर वाले इनसे काफी खुश रहते हैं। पांचवा, पैर के पंजे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैर के पंजे पर तिल होता है वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। साथ ही ऐसी महिलाओं को उनके जीवन में अपार सफलता मिलती है। ऐसी महिलाएं न सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करती है बल्कि उन्हें अच्छी नौकरी भी मिलती है। साथ ही ज्योतिषों के अनुसार महिला के अगर दाहिने पैर पर तिल है तो वो विदेश की यात्रा भी करती है। छठा, कंधे के नीचे तिल। वहीं अगर किसी महिला के कंधे के नीचे तिल होता है तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी इन्हें बहुत संघर्ष करना होता है। जिन स्त्रियों की पीठ पर तिल होता है वे थोड़ा आलसी भी होती है। ऐसी स्त्रियां काम को टालने वाली और आराम पसंद होती है। सातवां, होठ पर तिल। जिन महिलाओं के होठों के नीचे तिल होता है वो बहुत ही मेहनती होती है और इन्हें इनके परिश्रम का नतीजा भी अच्छा मिलता है। वहीं जिन महिलाओं के होठों के ऊपर तिल हो तो ऐसी महिलाएं पुरुषों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती है। ऐसी महिलाओं के पास धन की कभी कमी नहीं होती। साथ ही ऐसी महिलाओं की शादी दिलदार व्यक्ति से ही होती है। दोस्तों, होठ पर तिल होना जितना भाग्यशाली माना गया है उतना ही परेशान करने वाला भी है। भविष्य पुराण के अनुसार जिन महिलाओं के होठ पर तिल होता है ऐसी महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत होती है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि ऐसी स्त्रियों को मोटापा और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सामुद्रिक शास्त्र में ये भी कहा गया है, होठ पर तिल होना उनकी कामुक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अब आपको समझ आ ही गया होगा कि शरीर में तिल होने का कितना महत्व है। इस विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि विष्णु।